क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत पहले जैसी नहीं रही? क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत बुरी ही नहीं बिल्कुल फूटी गई है? तो फिर शायद आपको वास्तु शास्त्र की जरूरत है। अच्छा, ये विज्ञापन तो बेवकूफ बना रहा है। अपने लिए छोटी वास्तु की किताब ऑर्डर करें और काम करवा का इंतजार कर रहे हैं। अरे यहाँ पर मधुपन क्या कैसे आ गई? बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई है? मैं तुमको परेशान करने नहीं आया था। अरे गलती हो गई भाई, अरे माफ कर दो ना। अरे बचाओ। मैं यहाँ हूँ। अरे तुम्हारा शायद तो भालू खाते हैं, मैं थोड़े खाता हूँ। चल कर आ यार। अरे यार ये बर्फ तो पिघल रही है, क्या ये मेरा वजन झेल पाएगी? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरी किस्मत तो खराब ही चल रही है। बिल्ली जरा मेरे लिए टीवी चला दोगी? अरे वास्तु की किताब के 25 से ज्यादा कॉपी बिक चुके हैं। लोग अब हर जगह यही कह रहे हैं कि वास्तु की किताब का बहुत शुक्रिया हमारी किस्मत लौटाने के लिए। वास्तु एक प्राचीन कला है, जैसे आप घर का सामान बदलते हैं वैसे ही आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। कभी कभार आपकी खुशी को लाने का तरीका बस एक सिर्फ उसी जगह बदलने से। कुछ लोगों के घर में लकड़े से बने पिलर होते हैं। क्या मेरी किस्मत कुर्सी सोफा सही नहीं रखने से खराब हो गई है? अभी घर पर बैठे सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले बिस्तर के पास कभी भी आए ना। ठीक है। अरे नहीं, मिल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किस्मत खराब करने की? अच्छा, मुझे ऑलरेडी लकी फील हो रहा है। दूसरा टिप ये है कि पिन व्हील ले आओ और उसे कमरे में रख लो। ये छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। और ठीक है भाई, ये थी आज की टिप्स वास्तु के बारे में। कल जानते हैं कि क्या बताएंगे। समझो, हो गया। लाखा तो अब लकी लाखा हो गया। अबे क्या? नहीं, मेरी मछलियाँ। गंदी बिल्ले, इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं, समझे? फिर जगह घुसा, मुझे तो तुम्हें यहाँ से निकाल फेंकना चाहिए। नहीं 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 नहीं। अच्छी कोशिश थी बिल्ले। मैं तुम वहीं अंदर पड़े रहो। बुद्धू बिल्ले, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? चलो देखते हैं इस टीवी में और कुछ टिप्स है क्या मेरे लिए। कला में आपका फिर से स्वागत है, जिसके स्पॉन्सर हैं छोटी सी किताब वास्तु की। आज हम आपको बताने वाले हैं फर्नीचर शिफ्ट करने की और उसके साथ आपकी किस्मत चमकने की। अभी आया। करें और अपनी किस्मत को चमकाएं। हमारे कुछ कस्टमर्स की तो गई जब उन्होंने अपने हमेशा याद रखे, ये बहुत ही असरदार होता है। बस हो गया, लेकिन सबको इतना अजीब लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, जब तक मेरी किस्मत। गुस्सा नहीं लगा, उम्मीद है वो सही बोल रहा होगा। आज वो शो क्यों नहीं आ रहा है? खुशा मदीद, हम आपको बताने के लिए आए हैं कि वास्तु की कला अब कैंसिल हो गई है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। अरे यार, अरे रुको, मैं नंबर तो लिख लूं यार। घंटी जा रही है। हाय,
मैं लाखा बात कर रहा हूँ। मुझे बाहर निकलने दो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। हम आपकी सहायता कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, दरअसल मेरे को एक सवाल था आपसे। जी ओ हाँ, क्या? मैं समझ सकता हूँ, मेरा बस एक ही सवाल था, एक सेकंड लगेगा बस सर। क्या कहा? लेकिन ब्लैंक चेक मेरा सवाल डबल लगाओ। अरे सुनिए मेरी बात, आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी बात मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही है, मैं क्या करूँ? जरा आसान भाषा में समझाइए। क्या? लेकिन मेरे पास में कोई पैसा नहीं है। क्या तुम अभी फोन पर हो? आज मेरी किस्मत मेरा बहुत साथ दे रही है, मैं तुम्हें कुछ फ्री एडवाइस देना चाहता हूँ। पेड़ उगाना अच्छी बात होती है, क्या तुम्हारे पास कोई बीज है जिससे तुम पेड़ उगा सको? और घर में कोई भी सुई नहीं होनी चाहिए। और देखें और क्या हो सकता है, डाइनिंग रूम की खिड़की कभी भी दक्षिण दिशा में दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। मैं अभी बंद कर देता हूँ। तुम्हें सब बता दिया, सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरा मतलब और जानना चाहोगे जी? अपने गार्डन की तरफ देखो, अब ध्यान दो, ये सबसे जरूरी बात है। मैं सुन रहा हूँ। अरे माफ करना, अगर आप बाकी के टिप्स जानना चाहते हैं तो मेहरबानी करके 300 रुपए मेरे अकाउंट में डलवा दीजिए। तुम वही हो? कहाँ हो तुम? तुम्हें वो स्मेल आ रही है? भाई भाई उठो उठो उठो, चलो भाई उठो उठो उठो। डब्लू, तुम अंदर जा रहे हो क्या? वाह स्वादिष्ट। मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे ये चाहिए। रुक जाओ डब्लू, ये लखे का कोई जाल भी हो सकता है। शिकारी लखा इतना चालाक नहीं है, हमें मौके पर चौका मारना चाहिए। अरे अब तुम इसे रहने क्यों नहीं देते? मैं अंदर जा रहा हूँ और ये दरवाजा मुझे नहीं रोक सकता। भालो, लगता है वास्तु का असर हो रहा है, लगता है मेरी किस्मत फिर से पटरी पे आ गई। भाई क्या तुम ठीक हो? मैंने बोला था ना, ये एक जाल भी हो सकता है। मैं फिर से कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया दिख रहा है, वाह लजीज, एकदम लजीज। मेरा पैर लगता लगता ना करके पीछे भी जाल भी जा रखे। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आज तक का सबसे अच्छा खाना मैंने बनाया। एक सेकंड, मैं तो भूल गया। अरे यार पैर धोने की कोशिश क्यों नहीं करते? चिल्लाना बंद करो, लक्का सुन लेगा, हमें जाना होगा। शिकारी लक्का पेड़ उगा रहा है। ये वाला बस आखिरी था। ये क्या? हे भाई, लखा का ध्यान भटक गया है। तो क्या, इसका खाना बिल्कुल अकेला है। हो गया, एक लकड़हारा पेड़ लगा रहा है, अब तो लगाना ही चाहिए। दब लो, हमारे पास इसके लिए समय नहीं है, खाना वापस रख दो। मेरा खाना नीचे रखो। क्या? नहीं 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 नहीं, हम ये तो नहीं ले रहे थे, देखो। ये तो एक एक्सीडेंट था, चलो तब लोग हम चलते हैं यहाँ से, चलो। मेरा पेट भर गया, मुझे आराम की जरूरत है। मुझ पर हमला और मेरा खाना भी चुराया, तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पड़ेगा। हमला, हमें माफ कर दो। यही मरने का मौका है, छोड़ो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ मुझे भी, उम्मीद करते हैं कि लखा पेड़ काटने के बजाय पेड़ लगाते रहे। मेरा ऊपर से हट जाओ, मेरा गंदे बालों, मेरी तो किस्मत खराब ही है जब तक ये भालू है।